हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नोजिया और वोमिटिंग के बारे में। नोजिया और वोमिटिंग स्टोमक में इंडाइजेशन की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से या अदर कॉजेज की वजह से गैस्ट्रोटेस्टिनल और कंटेंट ओरली बाहर आ जाता है, इसी को हम नोजिया और वोमिटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कारणों की। तो ज़्यादातर नोजिया और वोमिटिंग इंडाइजेशन की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से नोजिया वोमिटिंग हो जाती है, या फिर मॉर्निंग सीकनेस या ट्रैवलिंग के दौरान जी घबराना या उल्टी लगना, इसी को हम नोजिया वोमिटिंग कहते हैं। या फिर इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसका सुबह के समय में जी घबराता है और उसको उल्टी हो जाती है। इसके अलावा कई अन्य कारण भी है, जैसे कि इंडाइजेशन इन्फेक्शन यानी कि पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों में रुकावट है, या फिर सिर में चोट लगने की वजह से भी वोमिटिंग होती है, यानी कि हेड इंजरी हुई हो किसी को उसको वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इसके अलावा फूड पॉइजनिंग यानी विषैला भोजन खाने की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है, और इसके अलावा फीवर हो किसी किसी पेशेंट को, जॉइंटिश हो तो उसमें भी वोमिटिंग हो सकती है, या किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो, पेट में दर्द हो तो उसको वोमिटिंग हो सकती है, या फिर वर्टिगो यानी कि चक्कर आ रहे हो तो उस वजह से भी पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को, और अगर पेशेंट को इंडाइजेशन की वजह से नोजिया और वोमिटिंग है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ओंडासेट्रोन 4 mg की टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ पेंटोप DSR कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले हम पेशेंट को दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम रैंडोम MPS सिरप जो कि 10 ml सुबह और 10 ml शाम को पेशेंट को देना होता है। इन्हीं दवाइयों को देने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर इन दवाइयों को देने से भी पेशेंट को काफ़ी कम आराम मिले तो उस कंडीशन में हम IV इंजेक्शन देते हैं। IV इंजेक्शन में हम रेंटेडिन 50 mg का इंजेक्शन 2 ml IM या फिर IV स्लो देते हैं, जो कि आपको एसिलोक के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, और इसके साथ हम पेशेंट को ओंडासेट्रोन का इंजेक्शन जो कि पेरिसेट या वोमिकाइंड नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा 2 ml सुबह शाम हम पेशेंट को दे सकते हैं। और यदि पेशेंट में डिहाइड्रेशन है यानी कि पेशेंट की बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और उसे RL रिंगल लैक्टिल की बोतल IV चढ़ाई जाती है, जो कि RL के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ अगर हम पेशेंट को DNS की बोतल भी लगाए तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाता है। और यदि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो यानी कि पेशेंट के पेट में दर्द हो तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डायनापार 1 ml का इंजेक्शन IM दे सकते हैं या फिर एक्वाडोल स्पास का इंजेक्शन IM दे सकते हैं, और टैबलेट में हम पेशेंट को मेफ्टाल स्पास के टैबलेट पेट के दर्द के लिए हम पेशेंट को दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर नोजिया और वोमिटिंग ट्रैवलिंग की वजह से हो यानी ट्रैवलिंग के दौरान नोजिया और वोमिटिंग हो तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को स्टेमिटिल MD की टैबलेट जीप पर रखकर पेशेंट को चुसा सकते हैं, जो कि जब तक देनी चाहिए तब तक कि पेशेंट को आराम ना मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर नोजिया और वोमिटिंग प्रेगनेंसी की वजह से हो तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डॉक्सिलामाइन और पायरोडॉक्सीमाइन की टैबलेट जो कि आपको डॉक्सीनेट के नाम से मिल जाएगी पेशेंट को रात में सोते समय दे सकते हैं, और इसके साथ साथ हम टैबलेट फोलिक एसिड की टैबलेट हम पेशेंट को रात में सोते समय और ज़रूरत पड़े तो यह टैबलेट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम पेशेंट को प्रोमिथाजाइन की टैबलेट भी दी जाती है। और फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी में इन सभी दवाइयों को देने के बाद भी पेशेंट को आराम ना मिले तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को B1 B6 B12 का इंजेक्शन IM दे सकते हैं, जो कि 8 से 10 दिनों तक हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये इंजेक्शन आपको बायोट्वेल प्लस के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ हम पेशेंट को पेरिनोम इंजेक्शन 2 ml का IM दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम पेशेंट को रेंटेडिन इंजेक्शन एसिलोक इंजेक्शन 2 ml का IM या फिर IV स्लो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब